Hello students, good morning. Today we will read the rest part of the chapter 1. You see, regeneration in living things. How regeneration takes place in living things. Okay? Growth in animals is different from that of in the plants. That means growth in animals are quite different from growth in plants. How it is possible? You see, udbhidara vruddhi o prani manankara vruddhi madhyare bahut gudi samanjasya achi. How it is possible? You see, if any part of a plant such as a leaf or a branch is broken or damaged, a new leaf or branch grows in its place. कौन होची जदि कौनसी उद्भिदर गोटे पत्र बा गोटे शाखा भांगी जाए किंबा नष्ट हो जाए से जगार कौन हुए नूतन आ गोटे पत्र बा शाखा वृद्धि पाए बा सृष्टि हुए. बट एनिमल्स डू नॉट जनरली डेवलप न्यू बॉडी पार्ट्स. इफ सम ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स आर ब्रोकन और डैमेज्ड, इफ ए डॉग लूजेस इट्स लेग, न्यू लेग इज नॉट ग्रोन इन इट्स प्लेस. इन केस ऑफ एनिमल्स जीव मानकर पाखरे कौन होची जदि कौनसी जीवर कौनसी बॉडी पार्ट भांगी जाए बा नष्ट हो जाए से जगार नूतन बॉडी पार्ट्स आउ सृष्टि हुए ना. जदि कुकुर गोटे गोड़ भांगी जीव कुकुर जदि गोटे गोड़ भांगी जीव से जगार आउ गोड़ सृष्टि हेनी हम कि उद्भिद मानकर किंतु से प्रकार होची. ओके, दैट इज व्हाई ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड द रेनी सीजन gardeners trims the branches of plants. In the rainy season, before rainy season and in spring season, gardeners kon korusanti gachha jaga dala gudi ku safa kar dousanti ba kati dousanti ja dwara ki kon hochi the new branches grow off their own. We can thus change the shape of plants by cutting and trimming them. एपरि करिबा द्वारा कौन होची जो गच्छ जाक सो गच्छ ताको आमे विभिन्न आकृतिर करि परिबा गच्छ अधिक कटा हि काटि दवा द्वारा जो जगार अधिक वृद्धि पाइछि से गुड़ी को काटिकिरि नुआ शाखा जेतले सृष्टि हबो बा नुआ शाखा जेतले बाहरिबो ताको आमे चाहिबा मुताबक डिजाइन र करके काटि पारे जहाद्वारा कि से जगार आउ थे नूतन गच्छ सृष्टि होची बा नूतन शाखा सृष्टि होची जहाद्वारा ये सब हो पारे. ओके, उद्भिद मानक भली इंती केते जीव अच्छा जो मानकर कि बॉडी पार्ट्स आपे आपे सृष्टि हो पारे. फॉर एग्जांपल हाउस लिजार्ड, ए फ्यू एनिमल्स सच एज हाउस लिजर्ड, स्टार फिश एंड ए हाइड्रा व्हिच लिव्स इन पॉन्ड कैन ग्रो सम ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स इफ ब्रोकन. जदि एम बॉडी पार्ट्स नष्ट हो जाऊँगी कटि जाऊँगी नूतन बॉडी पार्ट्स सृष्टि होच आर को मानकर सब हो. फर्स्ट हैला हाउस लिजर्ड, सेकेंड स्टार फिश, थर्ड हाइड्रा. फॉर एग्जांपल व्हेन द टेल ऑफ द हाउस लिजर्ड गेट्स कट बिटवीन टू थिंग्स सच एज विंडो और डोर और इट्स फ्रेम, इट ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द बॉडी.
आमे लक्ष्य करथवा हाउस लिजर्ड रो जेतेले झरका कबाटरे बाजिकी तार टेल भांगी जाउची बा बाहरी पड़ुची बॉडी थारु से अलगा हे जाउची सी द पिक्चर फिगर रे देला भली जो जगारु पीस बाहरी पड़ुची से जगाठु बॉडी थारु अलगा हे जाउची किंतु केते दिन पर आमे जदि लक्ष्य करिवा से आस्ते आस्ते नूतन भावे कौलुची एवं किछि दिन पर पूर्णांग रे परिणत हो जाउची। ओके यू सी इफ यू ऑब्जर्व द सेम लिजर्ड जदि से लिजर्ड को आमे लक्ष्य रखिवा आफ्टर सम डेज यू वुड फाइंड दैट इट इज ग्रोइंग ए न्यू टेल पुणी नूतन गोटे लांगुड़ तैयारी होची। The tail grows completely after some time. किछि दिन परे टेल संपूर्ण रूपे तैयारी हो जाउछि। Likewise, if a starfish loses its arm, it can grow a new arm. सेहिपरि जदि starfish रो आर्म जदि से नष्ट हो जाउछि बा कोनोसी उपरे भांगी बाहरी पड़ुची इफ द बॉडी ऑफ ए हाइड्रा इज आल्सो कट इनटू टू और थ्री पार्ट्स इज पार्ट्स ग्रोस द मिसिंग पार्ट्स एंड बिकम ए कंप्लीट हाइड्रा आफ्टर सम टाइम स्टार फिश भली स्टार फिश रो जपरी गोटे बाहर ला परे गोटे आर्म खंड हला परे बा बाहरी गला परे से जगार आउथर नूतन आर्म उत्पन्न होची सिंदे हाइड्रा को जदि आमे दुई बा तीन पीस कर दवा प्रत्येक पीस गोटे गोटे नूतन हाइड्रा रे परिणत हो जाउची। ईच पार्ट ग्रोस द मिसिंग पार्ट्स एंड बिकम ए कंप्लीट हाइड्रा आफ्टर सम डेज के दिन परे पूर्ण संपूर्ण गोटे हाइड्रा रे परिणत हो जाउची। The ability to replace a lost or damaged part of a body is called regeneration. Do you know what is regeneration? Regeneration means क्षय हो जाउथिबा गोटे parts जदि आउथरे replace हो पारला that is known as regeneration. The ability to replace a lost or damaged part of body is called regeneration. Do you know our fingernails and toenails continue to grow? आमे लक्ष्य करथिवा आमर हाथ गोड़ नेल गुड़िक कंटिन्यू बढ़ी बढ़ी चलुचे आमको प्रति सप्ताह प्रति इन बिटवीन 15 डेज आमे से जगह काटिकी सफा करवा दरकार होदि न करवा नख गुड़िक बेसी बड़ हो जाउछ। सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ग्रो कंटिन्यूअसली जिंदगी नख एंड हेयर आल्सो ग्रोस एज लॉन्ग एज वी ए लाइफ आमे बंची थिला पर्यंत आमर नख जाग मध्य चुट्टी मध्य बढ़ी चल थाउछ। ओके रेस्पोंस टू स्टिमुली You see, living things show their sensitivity towards light, heat, sound, touch, smell, etc. That means, living things, jibanta va sajiva padartha mane, e sabu padartha ko, koko padartha ko, light, heat, sound, touch, smell, इत्यादि पदार्थ प्रति संवेदनशील अर्थात दे आर सेनसीटिविटी संवेदनशील। फॉर एग्जांपल आमे जे कोनोसी हीट आम देह रे जदि बाजिबो आम देह को गरम लागि परसे आमे अनुभव करि परसे। व्हेन समवन शाइन्स द लाइट फ्रॉम ए टॉर्च इन योर आईज यू शट योर आईज इमीडिएटली। जदि आमर मुह उपरकू किए टॉर्च द्वारा लाइट पकाए
When someone shines the light from a torch, you shut your eyes. आमे कौन करते? संगे संगे आम आखि बंद कर दूचे. That is sensitivity. Plants also react to light. If by chance your hand touches a hot plate, your hand moves always quickly. Away quickly. जदि आमे गोटे गरम प्लेट रे हाथ बाजि जाए आम हाथ सडन घुंची जाउछि सेठु आउर लक्ष्य करथिबो चाली गला बेले गोडरे जदि कोंटा गोटे बाजे कोंटा को चकुड़िया पूर्वर गोड़ पुणे उठि जाए ओके सिमती समथिंग व्हिच क्रिएट्स ए रेस्पॉन्स इन ए लिविंग थिंग इज कॉल्ड स्टिमुलस जो पदार्थ कौनसी कार्यर रिएक्शन करे बा कौनसी वस्तु द्वारा जदि कौनसी रिएक्शन हुए तबे ताक कौन कहउछि स्टिमुलस जहा द्वारा एक्शन होउछि दैट इज नोन एज स्टिमुलस फॉर एग्जांपल हीट द्वारा आमे रेस्पन्स बा संवेदनशील होचे सेनु हीट हैला स्टिमुलस द प्लूरल ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज स्टिमुली हेले दीज आर हीट लाइट एंड साउंड आर स्टिमुली ओके आम एठो कौन जानले द रिएक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड रेस्पन्स रेस्पन्स मीन्स the reaction by a stimulus is known as response jo reaction srushti hobo due to stimulus that is known as response you see the picture chabi ko dekho a girl closes her eyes when light is thrown in her eyes aankhi ko लाइट पकेवा द्वारा आखि बंद कर देछि हां इट इज रेस्पोंस टू स्टिमुलस एथि रेस्पोंस हला आखि बंद करिवा एंड स्टिमुलस हला लाइट टॉर्च रो लाइट देन नेक्स्ट पिक्चर देखो व्हेन ए बॉय पुल्स हिज हैंड अवे फ्रॉम ए हॉट प्लेट दैट ही हैज एक्सीडेंटली टॉच्ड It is response to heat stimulus. Hatto e jagare kon hala heat hala stimulus. Au response hala sudden hatto bahar kar dewa hala response due to the stimulus that is the heat. Heat hoche ethi stimulus and sudden hatto bahar kariwa hala response. Okay. Then You can study the response of animals to sound either by making a loud noise near the animal or by beating a drum. Animal mananko pakhare madhya jibajantu ta pashu mananko ghoriwa pai hele ame kon korche jo pati korche kimba drum putuche lakhya karthuwa sasya khadya शस्य जमी भितर जीवजंतु मैंने खाई नष्ट द्वारा चाषी मैंने कौन करती ड्रम बजाती यू आम जापरचे जे शब्द मध्य वन टाइप ऑफ स्टिमुलस ओके यू मे ऑब्जर्व द रिएक्शंस ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेल और एर्थवर्म्स टू हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स आम एर्थवर्म जिया स्नेल मीन्स गेंडा जो जग खोल भितर रोचे शंख टाइप भितर रही थे स्नेल
ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ହଟ୍ ଆଉ କୋଲ୍ଡକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହଟ୍ ଥିବ ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡ଼ ଗରମ କରିକି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ନେବା ସେମାନେ ସେ ଜାଗାଠୁ ଦୂରେଇକି ଯିବେ। ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏ ହିଟେଡ୍ ରଡ୍ ନିୟର୍ ଏନ୍ ଏର୍ଥୱାର୍ମ ଅର୍ ସ୍ନେଲ୍। ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଟଚ୍ ଅର୍ ହାର୍ମ ଦି ଏନିମଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ରଡ଼। ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ପାଖକୁ ନେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଆସୁଥିବେ ନେକ୍ସଟ ଅପୋଜିଟ୍ ଦିଗରେ ରିଟର୍ନ କରିଯିବେ। ହାଉ ଡଜ୍ ଦି ଏନିମଲ୍ସ ରିଆକ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍? ସିମିଲାର୍ଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏ କୋଲ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ନିୟର୍ ଏନ୍ ଏର୍ଥୱାର୍ ଅର୍ ଏ ସ୍ନେଲ୍। ୱାଚ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍ସ, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ୟୋର୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍। ଗୋଟେ ଲୁହା ଗରମ ଲୁହା ରଡ଼ ଏର୍ଥୱାର୍ମ ବା ସ୍ନେଲ୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ବା ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଏର୍ଥୱାର୍ମ ବା ସ୍ନେଲ୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ରିଏକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଲେଖିକି ରଖିବା ନା ନାହିଁ। ୟୁ ମେ ଆଲ୍ସୋ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ରିଏକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଏନିମଲ୍ସ ଟୁ ଏ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଫୁଡ୍। ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ସ୍ୱିଟ୍, ସୋର୍ ଅର୍ ବିଟର୍, ପିତା, ଖଟା, ମିଠା, ଏସବୁ ଯାକକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଟି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖାଉଛି। ଏମିତି କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଯାକ ଦେଖିଲେ ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲାଳ ବାହାରେ ନା ନାହିଁ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ନ ଓକେ। ୱିଥ୍ ଦିଜ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ୟୁ ମେ ଅବଜର୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଏନିମଲ୍ସ ରିଆକ୍ଟ ଟୁ ଲାଇଟ୍, ହିଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ, ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟଚ୍। ଏସବୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଜୀବ ବା ପଶୁମାନେ ଲାଇଟ୍, ହିଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ, ଟେଷ୍ଟ ଓ ଟଚ୍ ଭଳି ପଦାର୍ଥକୁ ରିଏକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଏକ୍ସନ୍ସ ଆର୍ ଅବଜର୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏନିମଲ୍ସ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦ ଜଙ୍ଗଲ ରନ୍ ଏବେ ଅନ୍ ହିୟରିଂ ଡ୍ରମ୍ ବିଟ୍ସ। ହାତୀ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡ୍ରମ୍ ଯଦି ପିଟିବା ହାତୀ ଡ୍ରମ୍ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇକିରି ଚାଲିଯିବ। ଡ୍ରମ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ହାତୀ ରିଏକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ହାତୀରେ ହାତୀଠାରେ। ଦି ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ଦ ଆନିମଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଆଲ୍ସୋ ବି ଷ୍ଟଡିଡ୍ ବାଇ ଅବଜର୍ଭିଂ ଦି ଆନିମଲ୍ସ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଅର୍ ଏ ଟେରାରିୟମ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ସ୍କୁଲ୍। ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ମିନ୍ସ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ସ୍ଥଳଚର ଛୋଟ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗାକୁ ଟେରାରିୟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ମାଛ, କଇଁଚ ଇତ୍ୟାଦି ରଖୁଛେ। ଏସବୁକୁ ବି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ରିଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଅନୁଭବ ବା ଅନୁମାନ କରିକି ଜାଣିପାରିବା ଓକେ। ସେଟେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଲ୍ସୋ ରିଆକ୍ଟ ଟୁ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟଚ୍। ଦୋ ଦି ଲିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି ନଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେଟେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଲ୍ସୋ ରିଆକ୍ଟ ଟୁ ଲାଇଟ୍। ଲାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟଚ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ରିଏକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଟଚ୍ ମି ନଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଇଫ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଅବଜର୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଲିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଡ୍ରପ୍ ଏଜ୍ ୟୁ ଟଚ୍ ଦେମ୍। ଆଫ୍ଟର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଦି ଲିଭ୍ସ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦେର୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ଫର୍ମ। ଯଦି ଆମେ
10 मिनट उद्भिद जहाँ आम लाजकुलता कहे छुईदवा द्वारा समस्ते देखि पाने पत्र जाक कौन ऑटोमेटिक बंद हो जाए कि समय पर तार से आपे आपे खोली जाए। यू विल ऑब्जर्व दैट द लीव्स ऑफ दिस प्लांट विल इमीडिएटली ड्रॉप एज यू टच देम छुईदवा द्वारा सांगे सांगे बंद हो जाए। आफ्टर सम टाइम दि लिवस रिटर्न टू देर ओरिजिनल फर्म किस समय पर तार पुणी पूर्व अवस्था को फेरी आस। दि ड्रपिंग अफ लिवस इज ए रेस्पन्स टू टच इटि टच करवा हिंला स्टिमुलस आउ ड्रपिंग अफ द लिवस इज रेस्पन्स। ओके लाइक मेनी प्लांट्स रेस्पोंड टू लाइट और डार्कनेस लेट अस परफॉर्म ए सिंपल एक्टिविटी गोटे परीक्षा करके देखा लाइट द्वारा मध्य लाइट को मध्य उद्भिद माने रेस्पोंस करसंती। ओके फॉर एक्सपेरिमेंट टेक ए पॉटेड प्लांट प्लेस इट इनसाइड ए कार्डबोर्ड बॉक्स यू सी द पिक्चर मेक ए होल ऑन द साइड of the box so that light can pass through the hole. Water the plant regularly for a week. You see, take a potted plant gote mandana re gote gachha ba phulo kundare thiba gote gachha naba gote cardboard ra gote box taiyar kariba place it inside the cardboard box make a hole. You see the picture, there is a hole. सनलाइट आसला भाई गोटे होल गोटे साइड रे करिवा एंड वाटर द प्लांट रेगुलरली फॉर ए वीक सप्ताहटी पर्यंत गच्छरे पानी दबा कौन ऑब्जर्व करिवा देखिवा जे गच्छ जो दिगरु सनलाइट कार्डबोर्ड कार्ड बॉक्स भीतर आसी गच्छटा से दिग को आस्ते आस्ते बेंड हबो द प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट व्हिच कम्स थ्रू द होल जो दिगरु बा जो होल देकि लाइट आसुच्छे गच्छ आस्ते आस्ते से दिग को पंकेबो। नेक्स्ट कौन करवा राइट साइड फिगर देख नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द होल कीप द प्लांट फॉर ए फ्यू मोर डेज एंड ऑब्जर्व बर्तमान कौन करवा जो होल रो डायरेक्शन को चेंज करदेवा गच्छ जो सेम रखा किंतु डायरेक्शन को चेंज करवा किछि दिन रखा पर देखा गच्छ जो दिगरे सनलाइट आसुच्छी बा जो दिगरे होल अच्छी पुणी से दिग को डाइवर्ट हम बा से दिग को बुली पड़ो। फ्यू मोर टेस्ट एंड ऑब्जर्व यू विल ऑब्जर्व दैट द प्लांट अगेन बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट हियर द मूवमेंट इज रेस्पन्स टू द स्टिमुलस हियर द स्टिमुलस इज द स्टिमुलस इज लाइट। ओके फुलर कुंडटा कौन हम ये स्टिमुलस है लाइट आउ रेस्पन्स है गच्छ बंकेवाटा। ओके डू यू नो ए सनफ्लावर अलवेज फेसेस द सन सनफ्लावर आमर सूर्यमुखी फुल इट अलवेज यू सी द पिक्चर this flower is sunflower. Sunflower always faces towards sun. It turns to face in the direction of the sunlight. Sunlight jo digare sun surya thibe sei diga ko ka taro face kartibo. Some plants like night jasmine and magnolia ब्लूम ओनली एट नाइट ये जो फूल जाक अच्छा केवल रात्र ही फुटती। दि फ्लावर्स दैट ब्लूम एट नाइट हैव स्वीट फ्रेग्रेन्स एंड आर व्हाइट और पेल इन कलर जो फूल जाक साधारणतः रात्र फुटती से माने सुमधुर बासना मधुर सुगंध थाए आउ से मानकर वर्ण
साधारणतः धला किंबा ईसत धला होता है कारण यह द्वारा अन्य जीवजंतु माने एट्राक्ट होकर बा धला वर्ण रात्र भल भाव देखा जापे जहाद्वारा कि दीज प्लांट्स एट्राक्ट इनसेक्ट्स फॉर पोलिनाइजेशन एट नाइट इट इज इजियर फॉर इनसेक्ट्स टू फाइंड ए व्हाइट फ्लावर इन द डार्क गोटे इनसेक्ट मानक रात्र समय धला फूल देखिवारे साहाज्य होता है एवं सुमधुर बा सुगंधयुक्त होता है जहाद्वारा कि पोलिनाइजेशन हो पारे ओके सो लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स प्लांट्स आल्सो रेस्पोंड टू स्टिमुली ह्यूमन बीइंग्स भली प्लांट्स मध्य स्टिमुली को रेस्पोंड करती किंतु बट रेस्पन्स ऑफ प्लांट्स टू स्टिमुली इज लो उद्भिद मानक रेस्पन्सटा प्राणी मानक रेस्पन्स ठारु कम होता है किंतु उद्भिद माने मध्य रेस्पोंड करती द रेस्पन्स ऑफ प्लांट्स टू स्टिमुली इज